आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। थराली थाना पुलिस को लगातार एक और व्यक्ति को अवैध चरस के साथ दबोचकर गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे द्वारा जनपद में नशे के अवैध प्रचलन पर लगातार सख्ती बरती जा रही है। पुलिस अधीक्षक युवा पीढ़ी में प्रतिदिन बढ़ते नशे के प्रचलन को लेकर काफी चिंतित है। जनपद का चार्ज भार संभालते ही उनके द्वारा नशा उन्मूलन को अपनी पहली प्राथमिकता बताई है। उनके द्वारा सभी क्षेत्राधिकारियों, थाना प्रभारियों, SOG, ADTF को नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए लगातार एक्टिव मोड पर रखा गया है। इन दिशा निर्देशों के अनुपालन में क्षेत्राधिकारी कर्णप्रयाग विमल प्रसाद, थानाध्यक्ष ब्रिजमोहन सिंह राणा के नेतृत्व में उप निरीक्षक प्रशांत बिष्ट व देश दीपक बाली के साथ पुलिस गश्त के दौरान एक अभियुक्त खुशहाल सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह निवासी गाँव लोहाड़ी तहसील देवाल को 300 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 45,000 रुपए आकी गई है। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना थराली में अपराध संख्या 03/22 पंजीकृत करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। इसी के साथ अभियुक्त का पिछला आपराधिक इतिहास की जानकारी भी जुटाई जा रही है। न्यूज 9 भारत के लिए सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट।